राजा राम और झांझन भाई ने अपना सारा ध्यान लगाया किसके लिए, कि परम धाम के ये ब्रह्मणि जो जागनी कार्य के लिए निकले हैं अपना घर द्वार छोड़ करके राज्य की सेवा में निकले हैं, और स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठकर लीला कर रहे हैं वो तन सबकी आत्माओं को जगाने के लिए चल पड़ा है, तो हमारा धन तो अब है नहीं, हम क्या हो गए, राज्य के एक कर्मचारी एक सेवक। हम धन कमाएंगे केवल उतने के लिए कि हम अपने बच्चों को खिला पिला सकें, शेष जो धन बचता है वो राज्य की सेवा में जाएगा। और इस निष्ठा ने आज तक राजा राम झांझन भाई और मकरंद के परिवार को सब में शिरोमणि पद पर पहुंचाया हुआ है। आज सुंदर साध्वी यदि आज के बीतक के घटनाक्रम से शिक्षा ले ले तो समाज में कितनी क्रांति हो सकती है। आप सोचिए 40 लाख की संख्या है हमारी, 40 लाख सुंदर साथ यदि प्रतिदिन केवल एक रुपया इकट्ठा करें तो 40 लाख तो एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे, और समझिए एक वर्ष में कितने रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। यदि 40 लाख सुंदर साथ के नाम पर एक एक रुपया प्रतिदिन दिया जाता है, सब में संगठन हो जाए तो एक वर्ष में इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे कि कई विश्वविद्यालय बन जाएंगे, और उन विश्वविद्यालयों में कितने विद्वानों को तैयार कर पूरे देश में वाणी की गूंज कराई जा सकती है। लेकिन कोई नियोजित प्रयास जैसा होना चाहिए था 300 वर्षों में अच्छी तरह से नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि हमारा धन गलत चीज़ों में खर्च होता है। मैं आज भी कहता हूँ कि आज का युग शोभा यात्राओं के लिए नहीं है। शोभा यात्राओं में बड़े बड़े रथ सजाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है। कल्पना कीजिए यदि एक शोभा यात्रा में 1 लाख रुपया लगता है तो 1 लाख रुपये में हम 10 रुपये की एक प्रति वाली 10,000 पुस्तकें छपवा सकते हैं, या 10,000 से ज़्यादा हम DVD तैयार करवा सकते हैं जो 10,000 परिवारों तक पहुंचाई जा सकती है। वो लाभ है कि तमाशे दिखाने में लाभ है। यदि आज भी हमारा समाज शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा। समाज में ज्ञान की महत्ता है। हमारे समाज की भी महिमा गोपालमणि जी के कारण है, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के कारण है, फूलपुर भैया की गादी पर और जितने परमहंस हुए बाबा दयाराम के कारण है, सीताराम भैया के कारण है, या जितने परमहंस हुए मंगलदास जी के कारण है, जिन्होंने अपना तन मन धन राज्य के लिए सेवा में लगा दिया, जिन्होंने रात रात भर बैठ करके ध्यान किया, वाणी की गूंज को संसार में गुजाया, उसका महत्व है। बड़े बड़े सेठ जो आलिशान मंदिर बना देते हैं, एसी से सजावट कर देते हैं, हमें सुख सुविधा तो मिल जाएगी एसी के कमरों से, यदि हम सोने की ईंटों से मंदिर भी बना देंगे लेकिन उससे ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तो क्या होगा। जागृति के लिए आवश्यकता है, हमें धन का सदुपयोग सीखना होगा कि हम भविष्य में कलशों में जो धन खर्चा करते हैं, बड़े बड़े भंडारों में जो धन खर्च करते हैं उसका सही उपयोग हो, और समय समय पर उचित विद्वान तैयार किए जाएं, साहित्य का वितरण हो, सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जले, और तभी जागनी का प्रकाश तेजी से फैल सकता है।